रांची में शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले सावधान हो जाएं। ट्रैफिक पुलिस जल्द ऐसे लोगों पर नकेल कसने की तैयारी में है और यही नहीं, रांची की ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने के लिए विभाग एक मास्टर प्लान भी बना रहा है। रांची में ट्रैफिक व्यवस्था का सुचारूपूर्ण संचालन शुरू से ही एक चुनौती रहा है। पीक आवर्स में ट्रैफिक की समस्या और भी गंभीर हो जाती है। रही सही कसर, अतिक्रमण, नो पार्किंग में खड़े वाहन पूरे कर देते हैं। हाल के दिनों में जिस प्रकार से शहर में ऑटो और ई रिक्शा की संख्या बढ़ी है, उसने समस्या और भी बढ़ा दी है। इसे देखते हुए यातायात विभाग जल्द ही मास्टर प्लान लाने की बात कह रहा है और इसकी तैयारी भी शुरू हो चुकी है। ओवरऑल लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में एक रांची का कंप्लीट ट्रैफिक को सुधारने के लिए एक मास्टर प्लान अलग से बनाया जा रहा है, बट तब तक के लिए इंटरिम रेमेडीज के लिए अभी रिसेंटली मेरा प्रीडेसेसर जितना भी स्टेप्स लिए हैं उसमें सारा सक्सेसफुल स्टेप्स को हम लोग वैसे के वैसे इंप्लीमेंट कर रहे हैं। अभी उसमें जो है कहीं चेंजेस नहीं ले आ रहे हैं। वहीं शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों पर नकेल कसने की कवायद भी शुरू हो चुकी है। इसके लिए ट्रैफिक पुलिस ब्रीथ एनालाइजर मशीन भी जल्द हासिल करेगी। इस मशीन के माध्यम से नशे में ड्राइविंग करने वालों की पहचान मौके पर ही संभव हो पाएगी। कुछ इक्विपमेंट्स ड्रंकन ड्राइव का जो है उनका जांच करने के लिए कुछ इक्विपमेंट्स मंगवाए हुए हैं, बहुत जल्दी वो आ जाएगा और उस पर भी नियंत्रण हो जाएगा। इन प्रयासों को एक सकारात्मक पहल माना जा सकता है, लेकिन सवाल ये है कि आखिर इन प्रयासों को जमीन पर उतारने में क्या उतनी गंभीरता बरती जाएगी। समय के लिए रांची से नवीन कुमार,